अगर आपने कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे, ठीक है। अब आज से आज क्लास में आपको ये मुझे बताना है कि कल मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कैसे किसी भी रिज़ल्ट में आपको निकालना है, सीरियल नंबर कैसे लिखना है, नेम कैसे लिखना है, फिर सब्जेक्ट्स कैसे लिखने हैं, उनके नंबर्स कैसे लिखने हैं और टोटल कैसे टोटल करना है, उसका फार्मूला कैसे देना है, ये फार्मूला है। और परसेंटेज कैसे निकालना है कि अपने आप सारे परसेंटेज आते जाए, पास फेल कैसे अपने आप आ जाए, जो फेल है फेल हो जाए, जो पास है वो पास हो जाए। अब आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आप नंबर लिखते रहें और यहाँ पे जो फर्स्ट हो नंबर के हिसाब से वो फर्स्ट आ जाए, सेकंड वाले का अपने आप, यहाँ सेकंड जो जैसा नंबर हो वैसा फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ अपने आप आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ये नंबर लिखना है, बाकी टोटल एवरेज पास फेल फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कंप्यूटर खुद करता रहे। तो ये तीनों फार्मूले तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने ना देखा हो कि ये कैसे होता है तो ये पिछला वीडियो मेरा पढ़ा हुआ उसमें देख लें आप। और आज फर्स्ट सेकंड थर्ड का फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कैसे देना है। तो इसके लिए भी आपको फार्मूले में इक्वल लगाना है, पहले आपको इक्वल लगाना है और फिर लॉजिकल फार्मूला है इफ़ का, इफ़ लिखना है इफ़, और इफ़ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पर वो देना है परसेंटेज देना है, G2 लिखिए या परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब ये बताना है कि कम कितना हो, तो कम के लिए शिफ्ट के साथ आप लेस देन लगाइए और यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है 1, है ना, कम हो 1 से यानी 0 हो, जो बच्चे 0 हो मान लिया एडमिशन नहीं लिया उनका 0 आ रहा है तो 1, और फिर उसके बाद आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है 0 यानी जो एडमिशन नहीं लिए हैं 0 है उनके लिए 0 ही आए, फिर कॉमा लगाना है आपको और फिर लिखना है इफ, है ना, इफ लिखना है, इफ लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है, फिर लिखना है G2 और फिर लेस देन 33 करना है, यानी 33 से फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है 33 से कम वाले फेल, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर लिखना है इफ ब्रैकेट G2 में क्लिक करना है, G2 ब्रैकेट G2 लेस देन मान लेते हैं 45 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है थर्ड आर्ड, है ना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, फिर कॉमा लगाकर फिर लिखना है इफ ब्रैकेट G2 कॉमा G2 लेस देन करने के बाद करना है 65 तो क्या है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है सेकेंड, है ना, सेकेंड और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, फिर कॉमा लगाना है इफ ब्रैकेट G2 इफ ब्रैकेट G2 लेस देन लेस देन 70, है ना, लेस देन 70 तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आपको लगाना है लिखना है फर्स्ट लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, और यहाँ पर क्लोज करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद फिर लिखना है कॉमा लगाना है, कॉमा लगा कर लिखना है इफ ब्रैकेट G2 लेस देन G2 लेस देन 101 इसलिए लिख रहे हैं कि 100 तक वालों को मेंशन हो सके, है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा में डिक्टेंशन कर दिया। अब जितने ब्रैकेट इधर लगे उतने ब्रैकेट हमको लगा देना है ना, 1 2 3 4 5 6 तो 6 ब्रैकेट लगे, 6 ब्रैकेट मैंने लगा दिया और इंटर कर दे रहा हूँ, तो इंटर करते ही ये फर्स्ट आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट था। अब मैं इसको एक्टिव करा दे रहा हूँ तो ये बाकी सबके रिजल्ट देखिए अपने आप आ गए। तो आज के लिए इतना ही, ओके एंड बाय, ओके।